और एक और अहम खबर, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में एक और पर्दाफाश हुआ है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड में एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं, नए नए खुलासे हो रहे हैं और अब मामले में एक और गिरफ्तारी की पुलिस ने की है, पंजाब पुलिस ने की है। साथ ही पंजाब पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ और नई बातों का जिक्र किया, ये रिपोर्ट देखिए। उनतीस मई का वो दिन जब पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सिद्धू मूसेवाला अपनी महिंद्रा थार में कहीं जा रहे थे, इस दौरान उन्हें गोलियों से खून डाला गया जिससे पूरा इलाका सहम गया। लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी हर अपराध के दौरान कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने वाले अपराधी भी इस गलती से बच नहीं पाए। उनकी एक छोटी सी गलती को पंजाब पुलिस ने पकड़ा। हत्या की साजिश रचने वालों को लेकर रोज कोई न कोई खुलासा हो रहा है और साथ ही मामले में एक के बाद एक गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं। अब पंजाब पुलिस ने एक और आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, जिसके बाद अब तक मामले में 13 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पंजाब पुलिस ने इस बात की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। गोल्डी ब्राड ते सचिन बिश्नोई देना वीडियो कॉल कॉला भी कीतिया, प्रूव कीता कि हुन इस गड्डी च कौन कौन है, सारी इनफॉरमेशन अगे प्रोवाइड कीती, ऑल्सो इनफॉरमेशन रिगार्डिंग कितने बंदे गड्डी च हैगे, केड़ी गड्डी हैगी है, ते इन्होंने फॉलो भी कीता मोटरसाइकिल च फॉलो करके अगे जाके इन्होंने जिथे चौक पैंदा उत्थों उत्थे गड्डिया जिहड़ी अपनी बुलेरो ते दूजी कोरेला सी इन्हां नूं इशारा कीता, इशारे के बाद उन्होंने बुलेरो मगर लाता, सॉरी थार मगर लाता। फर्दर हुण तक की तफतीश दे विच 13 बंदे असी अरेस्ट कर चुके हैं। टोटल जिहड़ी कॉन्सपिरेसी सी, टोटल जिहड़ी प्लानिंग सी, किस किस ने क्या लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिता, किस किस ने का क्या रोल था, ये डिटेल्स मैं तुहानू अपने प्रेस रिलीज दे विच दे चुका। सिद्धू मूसेवाला को गनमैन समेत कत्ल करने की साजिश रची गई थी। अगर मूसेवाला के साथ सिक्योरिटी होती तो पहले हथियारों से अटैक किया जाता, जरूरत पड़ती तो मूसेवाला की गाड़ी ग्रेनेड से उड़ा दी जाती। क्योंकि जांच के दौरान अब ये भी सामने आया है कि 3 बार मूसेवाला की रेकी की गई थी और जैसे ही 29 मई को मौका मिला वारदात को अंजाम दे दिया गया। आरोपी बलदेव जिसकी अब गिरफ्तारी हुई है वही रेकी करता था और शार्प शूटर को डिटेल देता था कि कैसे काम करना है। आज हमने बलदेव एलियस निकू को भी अरेस्ट करा है, जो कि केकड़े के साथ मेन रेकी करने में, फॉलो करने में और कांटेक्ट सीधा थ्रू गोल्डी ब्राउन एंड सचिन टू इन्फॉर्म द शूटर्स कि उन काम करना है, किवे करना है एंड हाउ गिविंग ऑल द डिटेल्स। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की प्लानिंग पिछले साल अगस्त से शुरू हो गई थी। जिन्होंने इस प्लानिंग को अंजाम तक पहुंचाना था उन्हें फर्जी पासपोर्ट बनवाकर भेजा गया था। हालांकि पुलिस पूरी गहनता से जांच कर रही है, जिसमें पुलिस को ये भी जानकारी मिली कि हथियार कहां से आए हैं। कि पिछले साल अगस्त से ही ये काम स्टार्ट हो गया सीधा, दे प्लानिंग टू कैरी आउट दिस टास्क। और जो साड़ी इन्फॉर्मेशन है, कट टू कट 3 बार रेकी की गई सी। जनवरी महीने में भी एक डिफरेंट ग्रुप ऑफ शूटर्स भी थे आए सी, बट उस वक्त ये काम को अंजाम नहीं दे पाए और दे बन पाए। सो मल्टीपल रेकीज एंड मल्टीपल अटेम्प्ट्स वर मेड। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। पंजाब पुलिस ने ये खुलासा किया है कि 2 महीने में 147 गैंगस्टर पकड़े गए, तो वहीं 130 के करीब अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। वहीं पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है ताकि और भी राज उनसे उगलवा सकें। अब ऐसे में पंजाब पुलिस मामले में और क्या खुलासे करती है, देखने वाली बात होगी। न्यूज डेस्क, खबरें बीता।